हाय एवरीवन, माय नेम इज रचिन एंड आई वेलकम यू टू योर पीडिया। सो एज यू ऑल नो कि हमारे आरसीसी का सेशन चल रहा है, आरसीसी के लाइव क्लासेस चल रही हैं। सो वी हैव कम अक्रॉस दिस थिंग कि आपको सिर्फ आरसीसी गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके। नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि होलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे। अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे। साथ ही में वील ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस। एज यू ऑल नो दैट योर पीडिया इज वेरी मच इन टू इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एंड ऑल, तो वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ फीडबैक्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया। ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, वेदर द इंटरव्यू कैन बी ऑफ मास्टर्स एमटेक, दे कैन बी ऑफ पीएसयूज, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का, जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आरसीसी से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे आईआईटीज में जा सकते हैं, या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। सो हम लोग तीन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे, कंप्लीट रिटर्न टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है। एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है। सो वील गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो। सो देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, वी विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आपको पीएसयू के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर आपको दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट। फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 20 seconds क्वेश्चन, 20 seconds, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई ऑल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इरिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है एसएससी जेई के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी पीएसयू के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 minutes, उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे। दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी, यानी रिटर्न टेस्ट की, जो कि आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट है किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए। दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है। नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कॉन्क्रीट। एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वॉज आस्क्ड इन किसी पीएसयू में पूछा था, एनएमडीसी मे बी, आई डोंट रिमेंबर अभी किस में, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया, दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कॉन्क्रीट। अनदर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज एलएसएम, एलएसएम एक्चुअली है क्या। आप लोग बोलते हो एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म, एलएसएम होता क्या है ये इंटरव्यू में पूछ लिया है। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं, देर आर मेनी अदर क्वेश्चन, मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट। कितनी बार क्या होता है, आरसीसी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं। नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसे आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज, वेदर यू आर गोइंग फॉर पीएससी, पीएसयू का इंटरव्यू है या मास्टर्स, आईआईटी का, एनआईटी का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को, आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग, बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है। सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट, स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं, ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए आईआईटीज में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, बट इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा सो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट,
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई करके 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देर आर चांसेस कि आपको PSU मिलेगा या IIT मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे, सो दिस ऑल विल कम इन टू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल ईजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स व्हाइल यू स्टडी, जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस। माय नेम इज रुचिन एंड आई वेलकम यू टू योर पीडिया। सो वेलकम बैक, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद LSM, प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी टूडे। सो वील बी विथ एनालिसिस ऑफ टी बीम्स एंड एल बीम्स इन केस ऑफ LSM। हमें उसमें मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है या अल्टीमेट मोमेंट, जो भी आप कहना चाहें वो चीज़। और उसके बाद में वील हैव अ कम्प्लीट सेशन ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं। अब इसका हमें डिजाइनिंग पार्ट नहीं पढ़ना है, वी जस्ट हैव टू स्टडी एनालिसिस पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। एनालिसिस ऑफ टी बीम्स एंड एल बीम्स, ओके, टी बीम्स एंड एल बीम्स। अब इसमें क्या चीज जरूरी है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला हमेशा हमेशा ही आपका यही आएगा कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ, स्टेप वन। इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ, तो यहां पे एक नोट करके लिख देंगे, सेम एज इन WSM, ठीक है, सेम एज इन WSM। तो जो हमने WSM में पढ़ा था वही चीज है, मोनोलिथिक और आइसोलेटेड दोनों के लिए सेम ही चीज है, ओके, नथिंग डिफरेंट। तो हम डायरेक्टली वी कैन मूव फॉरवर्ड टू, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, WSM में जो हम इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ निकालते थे, विच वॉज अ मिनिमम ऑफ बी और बी एफ, ये आपको निकालना है, ओके, एंड देन वील स्टार्ट विथ एनालिसिस ऑफ टी बीम्स। अगर टी बीम्स आएगा तो आपको एल बीम्स भी समझ में आ जाएगा, ओके। अब इसमें देर आर वेरियस केसेस, फर्स्ट केस हम लोग लेंगे, यहां पे लिख लेते हैं एनालिसिस ऑफ टी बीम्स, ओके, तो यहां पे लेट मी ड्रॉ अ टी बीम। दिस इज बी इफेक्टिव DF, BW, एंड यहाँ पे दिस इज AST, एंड लेट्स से कि ये है हमारा डेप्थ D, ओके, डेप्थ इज इफेक्टिव, डेप्थ इज D, ये सारी चीजें हमें दे रखी है। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगली reinforced, ओके, सिंगली reinforced बीम की हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलराइट।
बी इफेक्टिव आप सबसे पहले निकाल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू हैव डी एफ, डी ए एस टी एंड बी डब्ल्यू. अब इसमें वील अज्यूम केस वन. ठीक है, सबसे पहला केस हम ये अज्यूम करेंगे दैट एक्स यू. ओके, एक्स यू क्या हो सकता है? कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी जगह आ सकता है, इसको आपको समझना है. तो यहाँ पे विल टेक केस वन एज लेट एक्स यू इज लेस देन डी एफ. ठीक है, एक्स यू लेस देन डी एफ. अगर एक्स यू लेस देन डी एफ है, ओके, इट इज समवेयर हियर, इस जगह पे, इफ दिस इज एक्स यू, व्हाट विल बी द स्ट्रेस डायग्राम? स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा ना, यहां से लेके यहां तक कुछ जीरो पॉइंट 87 FY, 0.36 FCK, करेक्ट. तो लेट एक्स यू लेस देन डी एफ. स्टेप वन इज फाइंड एक्स यू. ओके, फाइंड एक्स यू. एक्स यू कैसे निकालेंगे? 0.36 FCK बी इफेक्टिव इंटू एक्स यू इक्वल टू 0.87 FY AST. 0.87 FY AST. यहाँ से आप एक्स यू निकाल लोगे उसी तरीके से जो हम बीम्स में करते आ रहे हैं, नथिंग डिफरेंट. सेकेंड, फाइंड एक्स यू लिमिट. एक्स यू लिमिट कैसे निकलेगा? दिस इज इक्वल टू के डी, ये चीज आपके पास आ जाएगी. थर्ड, वी नीड टू कंपेयर एक्स यू एंड एक्स यू लिमिट. एक्स यू और एक्स यू लिमिट को हम लोगों को क्या करना है? कंपेयर करना है. सो लेट्स जस्ट अज्यूम दिस थिंग. मैं यहां पे लिख रहा हूं ए. इफ एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिट, एम यू कितना आएगा? 0.36 FCK बी इफेक्टिव इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 XU. दिस इज एट 0.36 FCK इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया क्या हो जाएगा? दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया 0.36 FCK बी इफेक्टिव इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 XU. करेक्ट, बिल्कुल वैसे ही बीम्स जैसे ही है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है. एंड बी, इफ एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट. ग्रेटर देन या इक्वल टू भी लगा सकते हैं, इक्वल टू आप आइदर साइड किस में भी लगाओ, इट डज नॉट मैटर. तो यहां पे हमारे लिए क्या आएगा? एम यू लिमिट. दिस इज इक्वल टू एक्स यू को किससे रिप्लेस कर देंगे? एक्स यू लिमिट से. 0.36 FCK बी इफेक्टिव इंटू एक्स यू लिमिट इंटू डी माइनस 0.42 XU लिमिट. ये हुआ हमारा केस वन, सबसे प्लेन एंड सिंपल, सबसे आसान केस, और जिससे होपफुली शायद आपको क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. ओके, बहुत कम चांसेस है कि आपको इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा. जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी फ्रॉम केस थ्री. इसके टोटली तीन केस बनेंगे. ओके, इसको लिख लिया, चले आगे. लेट्स गो टू केस टू. यहां पे मैं लिखता हूं केस टू. अब क्या कर रहे हैं हम? वी आर अज्यूमिंग कि जो एक्स यू है वो क्या है? डी एफ से बड़ा आ रहा है. ओके, एक्स यू जो है वो डी एफ से बड़ा है. देखो, एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ ऑल्सो एंड दिस इज कॉल्ड डी एफ केस. ओके, डी एफ इज लेस देन 3/7 XU. अभी 3/7 XU क्या था देखना है यहां पे, अभी समझ में आ जाएगा. इट इज
let me use this. This is B effective, okay. DF, BW, और यहां से लेके यहां तक, this is effective depth D, and this is AST, okay. अब I'm assuming कि हमारा जो XU है वो कुछ बड़ा आ रहा है DF से. XU is greater than DF. अब देखो दूसरा इशू क्या है, दैट DF इज लेस देन 3/7 XU. यानी जो DF है वो हमारा 3/7 XU कौन सा पार्ट था, इट वॉज द रेक्टेंगुलर पार्ट. ओके, वो क्या था हमारे लिए, रेक्टेंगुलर पार्ट. ओके, तो रेक्टेंगुलर पार्ट जो है, दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्ट, वो DF से बड़ा है, DF से बड़ा है. तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, विल डिवाइड इट इंटू टू सच पार्ट्स. ओके, देखना है पे, अभी समझ में आ जाएगा. इनिशियली हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट इट विल बिकम ईजी. ओके, सबसे पहले आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम ड्रॉइंग दिस सेक्शन, ये वाला सेक्शन. ओके, दिस इज बी डब्ल्यू एंड दिस इज एक्स यू, एंड लेट्स से यहाँ पे आ रहा है ए एस टी वन. ये बिल्कुल बीम जैसा ही है जिसका विड्थ और डेप्थ कुछ है. ओके, अब इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, वेरी सिंपल. पॉइंट 0.36 एफ सी के, 0.87 एफ वाई. अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जहां पे थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होना होती है. देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया. ओके, अब मैं बाकी का बचा हुआ पोर्शन ले रहा हूं. तो देखना बाकी का बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, दिस विल बी बी इफेक्टिव माइनस बी डब्ल्यू, इज इट, यही होगा B effective माइनस बी डब्ल्यू, उतना हट गया. अब यहां पे दिस इज DF एंड दिस इज AST2. अब इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसा होगा, यहां पे तो ऑब्वियसली पॉइंट 87 FI. अब हमने सेकेंड केस इसलिए लिया था दैट DF लेस देन 3/7 XU. ये सेकेंड केस लिया इसलिए था क्योंकि वो ये बता रहा है कि जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, रेक्टेंगुलर पोर्शन That is more than depth of flange. तो यहाँ पे rectangular portion stress का ऐसा आएगा और उसके नीचे कुछ फिर इस तरीके से कुछ जाएगा, है ना, हमने ये माना है. तो यहाँ पे हमारे लिए नीचे कुछ है नहीं, तो इन सबको हटा देते हैं. हमारा जो stress diagram बनेगा सिर्फ कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक. और यहाँ पे average stress का value कितना हो जाएगा, not 0.36 FCK, नहीं, कितना, रेक्टेंगुलर है आपको सिखाया है, कितना होगा 0.45 FCK. तो मैंने इस पूरे को, लेट दिस इज माय फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, एक और दो पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड में. पूरे टी बीम को दो डिफरेंट पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया. और ध्यान रहे कि आप इसको वर्टिकली ही कट करें, ऐसा नहीं कि आप इसको एक ऐसा ले लो, ठीक है, इस तरीके से एक पूरा ये ले लो और एक छोटा सा ये ले लो, अब वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है. हमेशा इसलिए ध्यान रखना है, आपको जब भी इसको कट करना है, आपको कट करना है वर्टिकली. ओके, वर्टिकली इसके दो पार्ट्स निकालने हैं. अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ एक्स यू, इसको बना लो प्लीज एक बार. ओके, अब सबसे पहले निकालते हैं एक्स यू. ओके, एक्स यू कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स. पहले वाले का कंप्रेसिव फोर्स यहां पे लिखेंगे, अपनी अपनी कॉपी में प्लीज देखते जाना, लिखते जाओ,
C1 plus C2 equal to T1 plus T2. अब C1 मेरे लिए कितना है? FCK into plus C2 average stress into DF. This is equal to AST1 plus AST2, जो फाइनली मुझे कुछ AST ही दे देगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रही है? आई होप अगर हम मतलब स्टार्टिंग से इतने सारे लेक्चर्स हमने पढ़े हैं तो ये इक्वेशन आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई बिलीव दैट कि आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, सो फ्रॉम हियर वील कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। स्टेप टू, सेम, फाइंड एक्स लिमिट कैसे निकालेंगे? दिस इज इक्वल टू KD, अगेन सेम, बिल्कुल भी टफ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। नेक्स्ट कम्स स्टेप 3, इट इज टू कंपेयर XU एंड XU लिमिट। ठीक है, वी हैव टू कंपेयर XU एंड XU लिमिट। देखें यहाँ पे, इफ इसमें एक केस ले लेते हैं, इफ XU इज लेस देन XU लिमिट तो टोटल MU किसके बराबर होगा? M1 प्लस M2, करेक्ट। एक इसका मोमेंट और एक उसका मोमेंट। देखो यहाँ पे M1 लिखते हैं, इसके लिए एवरेज स्ट्रेस 0.36 FCK, करिस्पॉन्डिंग एरिया ये, लेवर आर्म इज दिस, डी माइनस 0.42 XU। तो सिंपल सा M1 कितना आएगा? 0.36 FCK BWXU इंटू डी माइनस 0.42 XU। लेट्स टॉक अबाउट M2। यहां पे M2 कितना आएगा? एवरेज स्ट्रेस 0.45 FCK, करेस्पॉन्डिंग एरिया बी इफेक्टिव माइनस BW इंटू DF, फोर्स हो गया। लिवर आर्म कितना आएगा? दिस डिस्टेंस, दिस इज डी माइनस DF/2। समझना है आपको इस चीज को, रटना नहीं है, थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो वो वैल्यूज वहां पे चेंज हो जाएंगी। लिवर आर्म क्या है? या इसके सीजे से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सो दैट इज डी माइनस DF/2। तो यहां पे लिखते हैं 0.45 FCK बी इफेक्टिव माइनस BW इंटू DF इंटू लिवर आर्म इज डी माइनस DF/2। इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो हमारे पास फाइनली एक MU निकल आएगा। और यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं, बी इफ XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट तो यहां पे MU लिमिट किसके बराबर आएगा? M1 प्लस M2। M1 में रिप्लेस XU टू XU लिमिट। ठीक है, XU को किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग? XU लिमिट से। इस वाले एक्सप्रेशन में M2 विल रिमेन सेम, M2 विल रिमेन सेम। ओके, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, नथिंग डिफरेंट, बिल्कुल टफ नहीं है, सॉरी बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ओके, अब देखें, ये हमारा हुआ केस टू। ओके, नाउ इसके भी आने के चांसेस कम हैं। जो क्वेश्चन आते हैं ना फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज या UPSC में या फिर SSC JEE में या फिर GATE में, जो भी क्वेश्चन आते हैं दे विल कम फ्रॉम केस 3। ओके, केस 3। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग
लेट्स कम, इसको एक बार लिख लो प्लीज आप लोग। ओके नेक्स्ट आते हैं केस थ्री। एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ ग्रेटर देन दिस इज वाई एफ केस। हाँ अब ये वाला केस एग्जाम में आता है। दिस केस इज एज एन एग्जाम दैट एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू। तो देखें यहां पे इसको आई विल नीड This is the figure. Now let's talk about x is somewhere here. Okay, it will take the entire board. Aur yahan se bhi let me draw the entire board over here. Okay, har ek line ki hame zarurat rahegi yahan pe. Okay, trying to make it. Okay. Ab isko kya kar rahe hain? I am breaking it in two parts. फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके तो फर्स्ट पार्ट विल बी वेरी इजी, समथिंग लाइक दिस बी डब्ल्यू, दिस इज एक्स यू एंड लेट दिस इज ए एस टी एन। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी कैसा रहेगा? बिल्कुल ही आसान, ऐसा कुछ। ओके देखो देखो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है दैट डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू। ओके यानी डेप्थ ऑफ लेंथ जो है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरीके से कुछ फिगर बनाया। तो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट वाले पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा वैसा ही रहेगा। ओके दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड बनाते हैं, सेकेंड वाला कैसा रहेगा? ऐसा कुछ बी इफेक्टिव माइनस बी डब्ल्यू और यहाँ पे दिस विल बी डी एफ एंड दिस इज ए एस टी टू। अब देखो इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से कुछ, और फिर शायद नीचे आ जाए या कहीं पे आ जाए, हमें नहीं पता। अब ऑब्वियसली 0.875, अब ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे वैल्यू 0.45 एफ सी के नहीं होगी क्योंकि रेक्टेंगुलर पोर्शन के नीचे थोड़ा सा पैराबोलिक भी आ रहा है, और ऑब्वियसली 0.36 एफ सी के भी नहीं होगा क्योंकि पूरा जीरो नहीं हो रहा है। तो क्या करें, तो यहाँ पे वैल्यू जो है स्लाइटली चेंज होता है। कोड जो है आईएस कोड हमें बोलता है कि आप इसको मत ड्रॉ करो, ओके डू नॉट ड्रॉ दिस फिगर, इसकी जगह पे यू ड्रॉ दिस फिगर, जिसके अंदर आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट मान लो इसको एट अ स्ट्रेस ऑफ 0.45 एफ सी के, ये मान लो, यहाँ पे मान लो 0.87 एफ वाई। बट अगर आप ये ले रहे हो तो आपको ये जो वाई एफ है, ये जो डी एफ है, इसको यू नीड टू चेंज इट टू वाई एफ। आप क्या करो, आप इसको हटा दो क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, तो आप इसको हटा दो और इसकी जगह पे यू यू यूज दिस। ओके हम रेक्टेंगुलर पूरा का पूरा सिमेट्रिकल यूज़ कर लेंगे जिसमें हमारा स्ट्रेस कितना होगा 0.45 एफ सी के। बट अगर आप ये ले रहे हो तो आप क्या करो, डी एफ की जगह पे ले लो कुछ डेप्थ वाई एफ। ओके डी एफ की जगह आप क्या लोगे, कुछ डेप्थ वाई एफ। अब कोड ने सजेस्ट किया है कि आप वाई एफ कितना लो, 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ। वाई एफ कितना लेना है, 0.15 एक्स यू प्लस 0.65
DF, ये आपको YF कंसिडर करना है एज पर IS 456। ठीक है, समझ में आया? इशू क्या है इसमें, ये जो अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो किसी तरीके से, आपका कैलकुलेशन लगा के या कुछ भी करके, तो आप भले ये कंसीडर करो, बट टू मेक आर कैलकुलेशन इजी कोड क्या बोलता है कि आप इस फिगर को हटा दो, उसकी जगह सिमेट्रिकल आप स्ट्रेस डायग्राम कंसीडर कर लो। यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू आप ले लो 0.455 से के, बट जो डेप्थ लोगे आप, डेप्थ को आपको चेंज कर देना है कितना, वाई एफ से, और वाई एफ किसके बराबर है, 0.15 XU प्लस 0.65 DF, दिस इज 0.15, थोड़ा सा 0.15 XU प्लस 0.65 DF, करेक्ट। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ XU। अच्छा, यहां पे एक लाइन लिख लेना है, इन दिस केस द फ्लैंज एरिया इज कन्वर्टेड इंटू एन इक्विवेलेंट एरिया हैविंग सेम विड्थ but YF depth instead of DF, okay। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इसका जो डेप्थ है, we'll consider this depth as YF। अब से डेप्थ कितना कंसिडर करेंगे, YF डेप्थ हम कंसिडर करेंगे, DF कंसिडर नहीं करेंगे। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ XU। फाइंड XU, अगेन XU कैसे निकलेगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू T1 प्लस T2, बहुत सिंपल सो, देखो टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। C1 कितना आएगा, 0.36 FCK, BW इंटू XU प्लस C2 कितना आएगा, C2 दिस इज 0.45 FCK इंटू एरिया इंटू डेप्थ कितना हो जाएगा, YF, ओके YF, DF नहीं लेंगे, दिस इज इक्वल टू 0.87 FY AST। अब मैं डायरेक्ट AST लिख रहा हूँ, AST1 प्लस AST2 अगेन आपको समझाने के लिए लिखते हैं, बट आएगा कितना, AST ही आ जाएगा फाइनली, ओके। ये हमारे लिए स्टेप वन हो गया। स्टेप टू हमारे लिए क्या आएगा, फाइंड, अच्छा ओके, अब यहां पे अब क्या करोगे, YF को रखोगे 0.15 XU प्लस 0.65 DF, 0.15 XU प्लस 0.65 DF, यहां से उठा के यहां पे इसको रख देंगे, तो कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारा किस में हो जाएगा, सिर्फ XU अननोन में हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, फाइंड XU लिमिट, ओके फाइंड XU लिमिट, तो XU लिमिट सिंपली दिस इज इक्वल टू KD, बहुत सिंपल सा है, आ रहा होगा समझ में, लेट्स कम टू स्टेप थ्री, कंपेयर XU एंड XU लिमिट, प्रीवियस केस जैसा ही है, इफ लेट्स से कि हमारा जो XU है वो XU लिमिट से कम है, ओके, इफ XU इज लेस देन XU लिमिट क्या होगा,
Please try to write down the expression. I'll wait for a minute. ओके देखो M1 कितना आएगा, एवरेज स्ट्रेस करेस्पॉन्डिंग एरिया लिवर आर्म 0.42x, करेक्ट। M2 एवरेज स्ट्रेस इनटू करेस्पॉन्डिंग एरिया, दिस इज ये हो गया करेस्पॉन्डिंग एरिया इनटू YF, ये हो गया हमारा करेस्पॉन्डिंग एरिया, एवरेज स्ट्रेस इनटू करेस्पॉन्डिंग एरिया इनटू लिवर आर्म। लिवर आर्म कितना है, डी माइनस वाई एफ बाई टू, करेक्ट, वेरी गुड। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इट इज वेरी सिंपल और यही आपको एग्जाम में आता है। अब इसका बी पार्ट, इफ एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट, सिंपल सा क्या करेंगे, mu limit this will be equal to m1 plus m2, this will be equal to m1 plus m2, very simple, okay। तो यहां पे देखो m1 में हम लोग क्या करेंगे, replace xu to xu limit, that's it, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आप इसको mu limit बोलो mu limit बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, okay। and m2 सेम रहेगा जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है। तो आपके पास एक्स यू और एक्स यू लिमिट के बेसिस पे हमें अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ओके आई गेस आपको आरसीसी में ये चीजें समझ में आ रही होंगी एंड दीज आर नॉट टफ एट ऑल, बिल्कुल टफ नहीं है, बस ये कि आप थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ोगे खुद से अच्छे तरीके से तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अभी हम एक न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये हमारा था फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डबली रेनफोर्स्ड, बट उसमें हम बाकी सारे केस नहीं करेंगे, वी विल जस्ट डू वन केस। डब्ल्यू रेनफोर्स्ड टी बीम, आई विल स्टार्ट ऑफ विथ केस थ्री डायरेक्टली, दैट एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ है एंड डी एफ ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू, दैट इज माई वाई एफ केस। आप बाकी के दोनों केस भी और साथ में कर सकते हो बट एक केस समझने के लिए कर रहे हैं और इसमें हम इतने सारे फिगर्स भी नहीं बनाएंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फटाफट एक क्वेश्चन करना होता है, पहला स्टेप तो क्या है, आपको बी इफेक्टिव निकालना होगा, देन दिस इज डी एफ, यहां पे इट विल बी बी डब्ल्यू, यहां से लेके यहां तक दिस इज डी, ओके। इसके बाद में लेट दिस इज ए एस सी, यहाँ पे इट इज ए एस टी, ओके ए एस टी। अब इसका मैं अगर स्ट्रेस डायग्राम बनाऊँ डायरेक्टली, बस इसी जगह पे मैं स्ट्रेस डायग्राम बना रहा हूँ, ओके एक ही स्ट्रेस डायग्राम के अंदर हम सारी चीज़ें बना देंगे। रेक्टेंगुलर पोर्शन को थोड़ा सा अंदर रखा है, देन आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर, ओके अगेन वाइट 0.87 FI, दिस इज 0.36 FCK, यहां पे स्ट्रेस कितना आएगा, FSC बताया था,
स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्टील कंप्रेशन स्टील कितना होता है? एफएससी के बराबर होता है। ओके, एफएससी के बराबर होता है। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट दिस इज आर एक्स, विल सॉल्व इट वेरी क्विकली। अब देखोगे कितना जल्दी होने लगता है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी देन दिस इज नॉट टफ। फर्स्ट इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स यू, वैल्यू ऑफ एक्स यू। तो कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल कंप्रेसिव फोर्स हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक पार्ट ये लेते हैं, ओके एक पार्ट ये लेते, दूसरा पार्ट ये, और थर्ड ए एस सी। समझ में आया? पहला पार्ट कौन सा है? ये छोटा वाला रेक्टेंगल जो बीम के तरीके से बिल्कुल, दूसरा ये पूरा रेक्टेंगल जो अभी हम थोड़ी देर पहले ले रहे थे, और तीसरा ए एस सी वाला। तो यहाँ पे देखो कंप्रेसिव फोर्स में सबसे पहला हमारा आ जाएगा 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू, प्लस सेकेंड वाला ये वाला, इसके लिए स्ट्रेस कितना आएगा 0.45 एफ सी के इंटू करेस्पॉन्डिंग एरिया इंटू वाई एफ। ओके वाई एफ, ध्यान रहे हमारा वाई एफ केस चल रहा है, वाई एफ प्लस थर्ड ए एस सी। ए एस सी के लिए स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इंटू ए एस सी। आया समझ में? ये तीनों एक साथ हमने लिख दिए, एंड दिस इज इक्वल टू 0.87 एफ आई ए एस टी, 0.87 एफ आई ए एस टी। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। यहां से हम लोग एक्स यू का वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड, फाइंड एक्स यू लिमिट विच इज इक्वल टू के डी। ओके, एक्स यू लिमिट विच इज इक्वल टू के डी। थर्ड, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, थर्ड कंपेयर एक्स यू एंड एक्स यू लिमिट। तो अभी तक आपको याद हो गया होगा, ये हमारे स्टेप्स बहुत सिंपल सिंपल से हैं, ये आपको अभी तक याद ही हो गए होंगे क्या क्या स्टेप्स हैं। ए मान लेते हैं दैट एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिट। ओके, दिस इज एन अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में टोटल एम यू किसके बराबर होगा, एम वन प्लस एम टू प्लस एक एम ड्यू टू ए एस सी। करेक्ट, एम ड्यू टू ए एस सी। देखो एम वन कितना हो रहा है, 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। एम टू 0.45 एफ सी के इंटू बी इफेक्टिव माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ। लिवराम कितना हो जाएगा, डी माइनस वाई एफ बाई टू। मोमेंट थ्री, थर्ड वाला मोमेंट किसके कारण है, बिकॉज ऑफ दिस ए एस सी। इसके यहाँ से कवर का डेप्थ मान लेते हैं समथिंग दिस इज डी डैश। ओके, कंप्रेसिव साइड पे कवर कितना दे रखा है हमें, डी डैश। तो यहाँ पे देखो एवरेज स्ट्रेस एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के करेस्पॉन्डिंग एरिया ए एस सी, लिवर आर्म विल बी डी माइनस डी डैश। कितना सिंपल सा है, आपको कोई एक्सप्रेशन रटने की जरूरत नहीं है अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो। कोई सा भी एक्सप्रेशन को आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको समझना है कि वो किस तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट बी, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, डजेंट मैटर, बराबर है, सभी केसेस में यही ले लो, एक्स यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स यू लिमिट हो जाए तो क्या करेंगे। तो यहां पे एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, एम वन में क्या करेंगे, एक्स क्यू की जगह सिर्फ एक्स यू लिमिट डाल देंगे, 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू एक्स यू लिमिट
d minus 0.42 x limit m2 0.45 f ck और थर्ड हमारा m3 सेम बिल्कुल एफ सी के इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी डैश। ठीक है, ये आपके लिए टोटल 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 कंप्लीट एलएसएम है जिसके बाहर से ना तो आज तक कभी क्वेश्चन आया है ना कभी क्वेश्चन आएगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको आप बीम्स का किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ऑफ एनी टाइप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, कितना भी घुमा दे क्वेश्चन को, कुछ भी कर दे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऊपर नीचे कर दे, स्ट्रेन का वैल्यू बदल दे, कुछ भी कर दे, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके, चलो तो अब यहाँ पे आपको वाई एफ का वैल्यू भी लिख लो ताकि याद हो जाए। 0.15 xu प्लस 0.65 df। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, एनी कुछ भी, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे। तो जस्ट इसको समझने के लिए इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। वी एंड एवरीथिंग विद अ न्यूमेरिकल, जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट इट बिकम्स ईजी। क्वेश्चन लिखना है, एन आइसोलेटेड टी बीम ऑफ स्पैन 6 meter हैज फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन। Analyze it using LSM. Use M20 and Fe4 and 5. ये 1000 दे रखा है, ये 100 mm दे रखा है, दिस इज 300 mm और यहां से लेके यहां तक का दिस इज गिवन एज 750 mm एंड दिस इज AST। AST हमें दे रखा है 425 mm5। ओके, 425 mm5। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अब आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, अल्टीमेट मोमेंट निकालना है, लिमिटिंग मोमेंट, जो भी आता है वो चीज निकालनी है। सो आई वुड जस्ट से कि आप ट्राई करो वीडियो को, प्लीज पॉज इट। हो सकता है कि आपको 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाए, इट इज फाइन। अब वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में यू ट्राई एंड सॉल्व दिस। ओके, आई विल काउंट टिल 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हमें निकालना है बी इफेक्टिव, मिनिमम ऑफ बी और बी डैफ, बी एफ निकालते हैं। आइसोलेटेड दे रखा है, यानी ये कितना हो जाएगा, एल नॉट इज 6 meter 6000 by 1000 प्लस 4 प्लस बी एफ इज 300, तो ये हमारे लिए कितना आ जाएगा 900 mm। 900 mm ये आ जाएगा, 1000 mm ये आ जाएगा, 900 mm। ओके, 1900। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है,
अगर ये आपको 900 mm दिख रहा है, मिनिमम कौन सा हो गया 900, तो इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ दिस 900 mm. लेट्स ड्रॉ दिस अगेन. तो यहाँ पे दिस इज 900, आई गेस दिस वॉज 100, दिस वॉज 300, 300 ही था ना, 300, ओके, एंड देन इट इज 750. एएसटी कितना हो जाएगा, 425 mm, यानी मैं एएसटी निकालूं 1962. ओके, चलो सबसे पहले अस्यूम करते हैं. मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आई एम जस्ट अस्यूमिंग दैट लेट केस वन ए, लेट एक्स यू इज लेस देन डी एफ. ओके, आई एम जस्ट अस्यूमिंग दिस थिंग, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि एक्स यू कहाँ आएगा, कौन से केस पे आएगा. तो मैं क्या अस्यूम कर रहा हूँ कि एक्स यू इज लेस देन डी एफ. सबसे पहले मैं इस चीज़ को अस्यूम कर रहा हूँ. ओके, इफ एक्स यू इज लेस देन डी एफ, तो हमारे लिए एक्स यू कैसे निकलेगा, 0.36 एफ सी के बी इफेक्टिव इंटू एक्स यू, 0.87 एफ आई ए एस टी. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, जैसा बीम्स में था 20, दिस इज 900, 0.87, 1962.5. तो यहां से हम लोग एक्स यू का वैल्यू निकालेंगे. ये मेरे लिए एक्स यू आ रहा है. मैंने क्या माना था, मैंने तो ये वाला केस माना था कि एक्स यू लेस देन डी एफ, एक्स यू 100 से कम आएगा, मैं ये मान रहा था. बट मेरे लिए आया 109.34, यानी डी एफ से ज़्यादा बड़ा आ गया. तो यानी ये जो मैंने केस अज्यूम किया है दैट एक्स यू इज लेस देन डी एफ, दैट आई हैव अज्यूम वेरी रॉन्ग, गलत अज्यूम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स अज्यूम, इसको हटा देते हैं, लेट्स अज्यूम केस टू. दैट एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ लेस देन 3/7 एक्स यू. ओके, आप इसको अज्यूम करके यू विल फाइंड एक्स यू, एंड आपका तब भी एक्स यू इसमें मैच नहीं करेगा. ओके, सो दिस विल ऑल्सो फेल. तो हम डायरेक्टली आएंगे केस थ्री पे. सिंस आई नो दी आंसर, तो मैं सीधा केस थ्री ले रहा हूं. आपको एग्जाम में पता नहीं होगा, आई एम टेकिंग वाई एफ केस डायरेक्टली. ओके, डायरेक्टली आई एम टेकिंग वाई एफ केस. बट हाँ, आपको जब आप जब कर रहे हो तब केस टू भी सॉल्व करोगे, केस टू सॉल्व करोगे, उसको मैच करके देखोगे कि आपने जो माना है वैसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आ जाता है तो इट्स गुड, नहीं आता है तो फिर आपको थर्ड केस मानना है, एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू. ओके, नाउ स्टेप वन, एक्स यू कैसे निकालेंगे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के इंटू एरिया इज बी इफेक्टिव माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ 0.87 एफ आई ए एस टी. सारी वैल्यूज प्लग इन करेंगे, 0.36 एफ सी के इज 20, बी डब्ल्यू इज 300 प्लस एफ सी के इज 20, बी इफेक्टिव इज 900
माइनस 300 इंटू वाई एफ कितना आएगा, 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं, अभी मैं वाई एफ को वाई एफ ही लिख रहा हूँ, 0.87 इंटू 415 इंटू 1962.5। प्लस 0.df, df की जगह 100 रखेंगे तो 100 इंटू 0.65 कितना निकल के आएगा, 65। इस चीज़ को उठा के यहाँ रख दोगे, पूरी एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे, आई हैव द आंसर, मैं आपको आंसर बताता हूँ, आंसर क्या आना चाहिए, एक्स यू का वैल्यू आपके पास कुछ आना चाहिए समवेयर अराउंड 120.51 mm, और वाई एफ आपके पास आना चाहिए कुछ 83.075 mm। ओके, 83.075 mm। अब एक्स यू जो आपके पास आया है उसको इस एक्सप्रेशन में रख के देखो क्या वो मैच कर रहा है, मैच करता है तो इट इज़ फाइन, आपने सही किया है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। ओके, तो आप यहाँ पे ये करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज निकल आएंगी, विच आई नो आर करेक्ट, मेरा पहले का सॉल्व किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे टू फाइंड एक्स यू लिमिट, एक्स यू लिमिट इक्वल टू के डी, के कितना है 0.48, इफेक्टिव डेप्थ इज 750, दिस इज 360 mm, स्टेप 3, कंपेयर एक्स यू एंड एक्स यू लिमिट, क्या दिखता है, एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिट, एक्स यू क्या है, एक्स यू लिमिट से कम है, अगर एक्स यू एक्स यू लिमिट से कम है M1 कितना आएगा 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू, M2 का वैल्यू 0.45 एफ सी के डी माइनस लिवरामेस वाई एफ बाई टू। पूरे को सॉल्व करोगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्लग इन करना है, बाकी सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ओवरऑल आप निकालोगे तो आपके एम यू समवेयर अराउंड कुछ आना चाहिए, टोटल दोनों को ऐड करके 500 किलो न्यूटन मीटर कुछ आना चाहिए। ओके, 500 किलो न्यूटन मीटर ऐसा कुछ आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे इस जगह पे हमारा LSM कंप्लीट ओवर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्चर, अभी हमारा शीयर टॉर्जन बॉन्ड ये सारी चीज़ें पढ़ना हमें बाकी है। ओके, प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में हमारा यही चीज़ है। तो आई गेस आपको समझ में आएगा LSM कितना आसान है, ज़रूरी है WSM पढ़ा हो तब जाके LSM बहुत ईजीली समझ में आएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव कम्प्लीट न्यूमेरिकल्स, टोटल न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स है विल टेक ऑल द न्यूमेरिकल्स। एंड प्लीज़ कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कीप टॉकिंग टू मी, हैव एन इंटरेक्शन एंड ऑल, जिस भी तरीके से आप कर सकें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।